और ये देखिए यहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ की खुशी यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अगर आप देखिए भारतीय टीम के लिहाज से सभी के चेहरे यहाँ पर खुश हो चुके हैं और यहाँ पर एक तरीके से वहां पर जश्न का माहौल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने एक और मेडल हासिल कर लिया है। ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। मनु भाकर और अवधोत सिंह की जोड़ी ने कोरिया के खिलाड़ी को एक तरफा अंदाज में हराया और भारत ने ओलंपिक में दूसरा मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल। भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल यहां पर मिल गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को यहां पर भारत ने हराया। तीसरे अगर बात कर ली जाए 10 मीटर एयर पिस्टल ये इवेंट था ब्रॉन्ज मेडल का, शुरुआत से बढ़त बना के रखी और एक तरीके से अगर आप देखें इस मुकाबले को जीता। और यहां पर ऐसा करने वाली अगर आप देखें ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ये एक तरीके से और बड़ा रिकॉर्ड है। मनु भाकर जिन्होंने अभी दो दिन पहले ही उन्होंने भारत को एक अलग तरीके से अगर आप देखें वहां पर मेडल दिलाया, वो एक अपने आप में कीर्तिमान था। और जब आज मुकाबला था आज भी उम्मीद थी कि मनु भाकर भारत को दूसरा मेडल दिलाएंगी। मनु भाकर ने यहां पर मेडल जीत कर एक इतिहास रच दिया और भारत ने ओलंपिक में अपना दूसरा मेडल जीत लिया है। ओलंपिक पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत को एक और मेडल मिल चुका है। सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी ने कमाल किया है कोरिया की टीम को हराकर। शुरुआत से ही उन्होंने सबसे खास बात की इस गेम में बढ़त बना के रखी और जो हमने कहा था भाई हरियाणा के लोग जो कमाल कर रहे हैं वो कमाल यहां पर देखने को मिला और आज ये कमाल और भी देखने को मिलेगा। तो ये एक और यहां पर ऐतिहासिक दिन भारत के लिए पेरिस ओलंपिक से भारत ने दूसरा मेडल यहां पर जीता। और यहां पर जो मनु की मैं बात कर रहा हूं कि एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली और पहली भारतीय बन गई है और ये अपने आप में सबसे बड़ा कीर्तिमान है कि जहां पेरिस में ओलंपिक में अगर आप देखें मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है और यहां पर अगर आप देखें एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली जो मनु भाकर है वो पहली भारतीय बन गई है, ये बहुत ही बड़ा। और दिनों सबसे खास बात जो लगातार मैं इस मुकाबले में भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं इस जीत में सबसे बड़ा जो योगदान, देखिए टीम इवेंट है तो दोनों खिलाड़ियों को जरूर जाता है लेकिन पूरा क्रेडिट अगर मुझे देने को हो तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई आखिरी में शानदार प्रदर्शन सरबजोत सिंह का रहा, क्योंकि आखिरी में जो बढ़त हमारी कम नहीं होने दी। लेकिन अगर आप मनु भाकर की बात करें शुरुआत से लेकर उन्होंने शानदार स्कोर किए, लगातार जब जब वो यहाँ पर उनको बारी आई उन्होंने 9.5, 9.6 से डाउन ही नहीं हुआ, लगातार 10 के ऊपर स्कोर करती रही। तो यहां पर भारत ने दूसरा मेडल जीता है। और अगर बात कर ली जाए जो सबसे खास बात की, जो जब पहले दिन था जब उन्होंने मुकाबला अपना सिंगल इवेंट वाला जीता था तब भी उन्होंने बोला था भाई मेरा जो फोकस है वो मेरा शानदार है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए उन्होंने जो भगवत गीता का जिक्र किया था, कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र किया था, वो कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिला और उसमें दिखा। जब जब उनका चांस आया ऐसा लगा कि भाई इनका फोकस क्लियर है। रमिता जिंदल का मैं एग्जांपल दे रहा था, कल उन्होंने हारने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए मैंने मनु भाकर को खेलते देखा है और कहीं ना कहीं जो लेवल है उनका खेलने का और सीखने का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही शानदार, हम सब उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत ने इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में दो मेडल भारत हासिल कर चुका है और दोनों मेडल की अगर बात कर ली जाए तो मनु भाकर का योगदान है। मनु भाकर की अगर आप देखें इनकी दादी जी की बाइट अगर आप देखें स्पोर्ट्स नाउ पर आप सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने उनकी दादी ने कहा था बेटी आएगी सोना कोई बात है, सोना नहीं जीती है, सोना मैं दूंगी उसे। इसके अलावा फैमिली बहुत खुश थी, उनकी माताजी पिताजी सभी अगर आप देखें जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना, सिर्फ उन्हीं का परिवार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पूरा हरियाणा हर कोई यहाँ पर खुश है कि भाई हरियाणा की जो छोरी पंजाब के हमारे जो भाई साहब हैं दोनों ने एक बार फिर से यहाँ पर हिंदुस्तान को अगर आप देखिए हिंदुस्तान का जो तिरंगा है अगर बात करें पेरिस में फिर से लहरा दिया है। और ये जो मेडल इवेंट की बात करें हमारे लिए सबसे ज्यादा नजर रहती है कि भाई आज मेडल इवेंट एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर, तो ये एक ऐतिहासिक दिन। और ये सबसे खास बात कि भाई ओलंपिक में मेडल जीतना ये कहीं से भी आसान नहीं होता है, जहां एक तो कंपटीशन का लेवल की अगर बात कर लीजिए बहुत ही टफ होता है, वहां पर अगर आप जाते हैं और दो मेडल एक नहीं बल्कि दो मेडल जीत कर आ रहे हैं तो ये सबसे कमाल है। और शुरुआत से मैंने कहा कि भाई अगर इस गेम में शूटिंग की अगर बात कर ली जाए, अगर आपने शुरुआत के 5 शॉट्स तक अगर आपने लगभग बढ़त बना के रखी है और उस बढ़त को फिर अगर आप देखिए एक तरीके से उसको बराबर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल एक तरीके से हमारे हाथ से मेडल निकल गया, अगर मैं अर्जुन वाली बात करूं वो हमारा मेडल पक्का था और वो हमारा ब्रॉन्ज नहीं बल्कि वो सिल्वर मेडल पक्का था, लेकिन अर्जुन ने लास्ट में जाकर कुछ गलतियां कर दी,
क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन कर दिया आखिरी में। और ना जिस तरीके से उन्होंने बाद में बोला भी कि भाई शायद ये मेरा सबसे खराब दिन था, और क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से जो बड़ी अपडेट आ रही है, मनु भाकर और अवधोष सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक में, भारत का ये दूसरा मेडल है। और वही मनु भाकर के लिए सबसे खास बात की, एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई। कल भी स्पोर्ट्स नाउ ने आपको जानकारी दे दी थी कि भाई मेडल पक्का है भारत का, और आज आपने देखा मेडल यहाँ पर पक्का हो गया। तो ओलंपिक में मेडल चाहिए तो स्पोर्ट्स नाउ देखिए। आप स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप देखिए, लगातार हमारी कवरेज लगातार जारी है। और अगर आज की बात कर लीजिए, आज अगर आप देखिए हमारे पास अभी एक मेडल तो यहाँ पर आ चुका, अभी और भी मेडल यहाँ पर आने बाकी है। आज हमारे पास एक और मौका रहेगा, वो भी शूटिंग में मौका है कि वहां पर भी हम मेडल जीत सकते हैं। अगर बात कर ली जाए वहां पर, अगर आप देखें मेंस टीम का है, वहां पर अगर आप देखें फाइनल है वो, लेकिन थोड़ा सा 7 बजे खेला जाएगा। तो ये सारी चीजें रहने वाली है कि वहां पर भी हम मेडल जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे मुकाबले हमारे, मेडल इवेंट तो आज दो ही था, एक पहला जीत था जो था उसमें हम जीत लिए, इसके बाद एक और रहेगा, वहां पर भी जीतने के पूरे चांसेस रहेंगे बाकी जो हमारे हैं। और आज हमने सुबह भी देखा था कि देखिए महिलाएं जो है वो पेरिस ओलंपिक में लगातार कमाल कर रही हैं। सुबह जो खबर हमने आपको पहुंचाई भी, मनका बत्रा वाली भी, उन्होंने भी इतिहास रच दिया कि भाई टेबल टेनिस के राउंड ऑफ 16 में कोई आज तक पहुंचा ही नहीं था। ये भी हमारे लिए अगर आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि वहां पर पहुंची है, अब तक तो 32 से आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो ये उन्होंने कीर्तिमान रचा। और ऐसे में उम्मीद करेंगे और आगे बढ़े, ये रिकॉर्ड तो अच्छी बात है लेकिन हमें मेडल वाला रिकॉर्ड चाहिए और वो एक बेहतर हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पेरिस ओलंपिक से भारत में के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और बहुत बड़ी के अलावा बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल का जो इवेंट था वो जीत लिया है। मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी जो है उन्होंने ये अगर आप देखें यहाँ पर जीत लिया है, तो ये एक बड़ी खबर अगर आप देखें यहाँ पर आ रही है।